हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और आप देख रहे हैं संजरी मोबाइल शॉप। दोस्तों, ये मेरे हाथ में LG का पीस है और पुराना मॉडल है ये। इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं फटाफट इसमें क्या इशू है। पुराने मॉडल्स हैं और सबसे पहले इसके स्क्रू खोल लेते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइलों में मैं पहले बता चुका हूँ बहुत से स्क्रू होते हैं, तो मैंने वीडियो को स्पीड किया हुआ है ताकि आप लोगों का समय बचे। दोस्तों, पुराना मोबाइल हो या नया मोबाइल हो, अगर बढ़िया तरीके से उसको ओपन कर लिया जाए, उसे डिसेबल कर लिया जाए, तो आसानी से अंदर जो पिन वगैरह लगे रहते हैं वो नॉर्मली आते हैं। 5-7 किस्म के, 8 किस्म के पिन 3500 में आते हैं, तो आसानी से उसको बनाया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। अगर सबसे ज़्यादा कहीं दिक्कत आती है तो ओपन करने में, उसे डिसेबल करने में आती है। बॉडी को एक बार प्लेट निकलने के बाद बिल्कुल आसान हो जाता है रिपेयरिंग, और कोई किसी की कोई दिक्कत नहीं आती है। हमने स्क्रू को खोल लिया है और इसकी बॉडी को हम देखिए ओपन कर रहे हैं। बहुत ही दोस्तों आराम से, अब बिल्कुल कोई धांधलीबाजी नहीं इसमें करना रहती है, वरना अच्छा खासा जो फोल्डर है वो टूट जाएगा और टच और डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा इसका। तो बड़े आसानी से इसको करना पड़ता है, बड़े ही आराम से, कोई धांधलबाजी नहीं। और ये देखिए, हम भूल गए थे इसके सिम की ट्रॉली नहीं निकाले थे, और ऐसी गलती आप मत करिएगा, बल्कि सिम की ट्रॉली पहले जो है निकालना रहता है, और ताकि जो है वो बॉडी खुलेगा ही जब आप सिम ट्रॉली आप बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने मिडिल को ओपन कर लिया है और आप प्लेट देख रहे हैं, बिल्कुल नए मॉडल जो आ रहे हैं ये सैमसंग के, उसी कैटेगरी का इसका जो है लुक दिया हुआ है प्लेट का। और पुराना मॉडल है इसीलिए मैनुअल है ये भी। बहुत सारी आईसियां हैं जो अलग अलग हैं, जिनकी आईसियां और वो अलग अलग तरीके से लगाई गई हैं। जैसे पुराने मॉडलों में 3220, 3310, 3315, 2100 नोकिया के जो मॉडल आते थे उसमें जो है अलग अलग आईसियां होती थी, हर एक आईसी अलग होती थी। तो इसमें भी तकरीबन कुछ आईसियां ऐसे हैं जो अलग अलग हैं। ये चार्जिंग कनेक्टर है जो कि नॉर्मली मॉडल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राइमरी मॉडल नहीं है ये। तो इसको भी बड़े आसानी से हम बदल देंगे ताकि जो है जो इशू है वो ख़त्म हो जाए। और आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ें सारी प्रक्रियाएं आपको दिखाई जाएंगी किस तरह से इसका बदला जाएगा। क्योंकि प्लेट है दोस्तों जो है अलग अलग मॉडल के आते हैं, और कनेक्टर भी अलग अलग मॉडल के आते हैं। तो और आज हम इसको चेक करके और इसका करंट भी चेक कराएंगे कि मतलब करंट कितना वोल्ट देता है जो है जो हम चार्जिंग लगाते हैं, अगर हम मल्टीमीटर से नापते हैं उसे रीड करते हैं तो कितना वोल्ट करंट मल्टीमीटर हमें बताता है, तब जाके ओके होगा। तो इस तरह से हम इसे जो है पैड पर लगा दिए हैं ताकि जो है ये जंप ना करे और आसानी से ये निकल जाए। अब SMD को इससे हीट करते हैं, हीट करके और उसके बाद उसको निकालते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे यूं ही आप लोग साथ दें, और जो लोग चैनल देखते हैं, जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनसे मेरी अपील है कि वह लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि मैं आने वाले वक्त में अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, ये मैंने कनेक्टर को निकाल दिया है और SMD के मदद से, और इसको एक बार साफ़ कर लें। जो कनेक्टर के आसपास में जो लगे रहते हैं डॉस वगैरह, कार्बन वगैरह, आप लोग उसे बढ़िया से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद फिर न्यू कनेक्टर उसके ऊपर अप्लाई करें। नया कनेक्टर लगाने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि नया लेने के बाद आप उसके जो 5 पिन या 7 पिन या 12 जो भी पिन हैं, उन पिनों पर पहले बढ़िया से सोल्डिंग कर लें आयरन की मदद से, और फिर उसके बाद उस पर प्लेट पर आप उसे अप्लाई कर दें। दोस्तों, काफ़ी आसान है मोबाइल रिपेयरिंग, मगर जब आप लोग एक मन बना करके देखेंगे और इसे
समझेंगे कायदे से, बारीकियों को इसको समझना होता है। ये लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कोई देख करके मोबाइल रिपेयरिंग कैसे सीख जाएगा, कैसे कोई सीखेगा। भाई मेरे कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग जाते हैं सीखने या जाते हैं करने, वो लोग आपका हाथ पकड़ करके नहीं सिखाते हैं, बल्कि उस वक्त भी आपको ऐसे ही करना पड़ता है। बशर्ते यह है कि मैं अभी वीडियोस में आप लोगों के बिल्कुल एक वीडियोस के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और जब दुकानों पे जाते हैं तो वो बगल में ही आपके खड़े रहते हैं, जो भी सर वगैरह होते हैं, और वो बताते रहते हैं। मेरे भाई मैंने कहा है आप लोग जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे कमेंट करें, पूछें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आप लोग ज़्यादा अपने पैसे को सेविंग कर सकें। ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया है न्यू कनेक्टर, और इसे अब हम चेक करेंगे कि जो है क्या ये जो है सही हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों ये मैंने बताया था आप लोगों को जो है मल्टीमीटर से भी चेक किया जाएगा कि मतलब करंट जो है वो आ रहा है पूरी तरह से कि नहीं आ रहा है। तो इस बार जूम आउट जो है कर रखे हैं ताकि जो है पता चले आप लोगों को कि कितना करंट आता है और कैसे चेक किया जाता है। ये हमने चार्जर इस कनेक्टर के अंदर, देखिए दोस्तों हमने चार्जर को लगा दिया है। अब ये चार्जर लगाने के बाद दोस्तों देखिए, अब हम एक जो है ग्राउंड पे रख लेंगे, ग्राउंड का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद जस्ट उसी के बगल में ही एक कंडेंसर होता है, सिरेमिक कंडेंसर बोलते हैं उसको, उस कंडेंसर के ऊपर हमने रखा। तो ये 4.20 करंट बताया दोस्तों, और 4.20 बताने का मतलब ये है कि पूरी तरह से करंट पास कर रहा है, कनेक्टर से होकर के प्लेट तक पहुंच रहा है, पीसीबी तक पहुंच रहा है। तो जो करंट पीसीबी तक पूरा पहुंच रहा है, तो दोस्तों एक बार बैटरी कनेक्टर पर भी, बैटरी जैक पर भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो है बैटरी के का जहाँ पॉइंट है वहाँ करंट पहुँच रहा है कि नहीं। लेकिन मैं श्योर हूँ इसलिए कि इसमें और कोई मिस्टेक नहीं है, कनेक्टर की मिस्टेक थी। और ये देखिए दोस्तों, इसका चार्जिंग उठा लिया और काफ़ी बढ़िया चार्जिंग हो रहा है। तो इस तरह से इजी बाय इजी दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।